सबसे पहली चीज है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी. किधर? सो मच माशाल्लाह, इतने चावल और इसके अंदर जो है ना गोश्त है. जुमे का दिन है और जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह. ये इस खूबसूरत सी मस्जिद में नमाज पढ़ी, लेकिन इस जहाज ने जो है ना मेरी वॉइस क्वालिटी खराब कर दी है. खैर, ये वाली मस्जिद में नमाज मैंने पढ़ी है, लेकिन अभी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं. ये डिलीशियस सी कॉफी पीने के लिए, जो दूसरा काम मैं करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है. टू गिव यू एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी. ये मैंने रिसेंटली ये पेंटिंग बनवाई थी टू फिक्स इन माय ऑफिस. ऑफिस में प्रोग्राम मेरा ये है कि एक जो दीवार है ना, के अंदर बहुत सारी जो मेरे पास पेंटिंग्स हैं उन सबको. अभी जिस इम्पोर्टेंट काम की मैं बात कर रहा हूँ ना, इट्स रिलेटेड टू माय हेल्थ. सऊदी अरब में काफी हद तक गर्मी का जोर टूट गया. इट्स 36 डिग्री सेल्सियस टुडे. जिम के लिए हेडफोन्स बड़े लाजमी होते हैं. और जो इम्पोर्टेंट काम था ना, वो जिम के अंदर. बॉडी मास्टरी यहाँ से शुरू होती है, वो वहाँ पे जाके खत्म होती है. जुमे के दिन ना नमाज के बाद ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, कार्डियो. ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, काफी मुश्किल एक्सरसाइज है साइकिलिंग की. ये वाली जो साइकिल्स होती है ना, ये काफी आसान होती है, तो इन पे मैं कभी कभार बैठता रहता हूँ. लेकिन मैंने वो वहाँ पे जाना है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ. इट्स वन ऑफ द बेस्ट, बड़ी इफेक्टिव कार्डियो रहती है इससे. गो. अब इसके बाद मैं 30 मिनट्स यहाँ पे कार्डियो करूंगा, और आज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ. इंटेंसिटी को बढ़ा के हम लोग करेंगे 12. जबरदस्त. अब यहाँ पे टीवी भी देख सकते हैं, कोई मूवी शो. लेकिन मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं कोई व्लॉग देखूंगा. 35 मिनट्स में 359 कैलोरीज बर्न किए मैंने. घर से अभी अभी फोन आया कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई है, ताकि जो कैलोरीज बर्न की है उनको वापस लाया जाए. वेलकम टू मेरा घर. लेकिन जो लंच में पका हुआ है ना, ये लंच कम ब्रंच ज्यादा है. अंडे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये खीरे, ये चीज, हम्मस, और ये है वो चीज जो मैंने कैलोरीज बर्न की है उसको वापस लाने के लिए, द पराठा. और ऑफ कोर्स डिलीशियस चाय. चाय के बगैर तो पराठा का मजा ही नहीं है ना. ये है हमारी डिलीशियस चाय, मजेदार. हम लाएंगे अपना पराठा और अंडे के ऊपर लगाएंगे. इसके ऊपर बाय द वे हनी भी डाली हुई है मैंने. डिलीशियस, एक्सट्रीमली डिलीशियस, एक्सट्रीमली डिलीशियस. अब मैं आपको मिलूंगा अपने स्टूडियो नुमा ऑफिस के अंदर इंशाल्लाह. ऑफिस नहीं, स्टूडियो. सबसे पहला काम ऑफिस में, ऑफिस को थोड़ा खुशबूदार बनाना है. सबसे पहले हमने ये कोयला लेना है. ये जो कोयला है ना, ये मेरे कपड़ों को खराब करेगा. बड़ा जबरदस्त किस्म का लाइटर है ये. उसके बाद इस बॉक्स के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की लकड़ें. हमें इसमें से दो किस्म की है, एक ये है और दूसरी ये वाली है. ये भी बड़ी जबरदस्त है, तो मैं ये वाली लूंगा. चार, एक, दो, तीन. लेकिन मैं सिर्फ ये चार लकड़ियां हैं, इसको भी डाल देते हैं. लकड़ियों को यहाँ पे नहीं रखूंगा. ये एक और बोतल है, इसके अंदर भी जबरदस्त किस्म की होती है. एक ही मतलब गंदे हाथ जो है ना खराब कर लेते हैं. सुभान अल्लाह, काली काली. सो हियर इट गोस. ये यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे. ये चिमटा इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन चले ये भी ठीक है. उसके बाद टिप 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 इस तरह कुछ कहते रहते हैं. खुशबू जबरदस्त. ये सारी बुक्स में से आज जो मैं बुक आपको बताऊंगा वो वहाँ पे. बुक का जो कवर है ना, वो कहीं खराब हो गया था, गिर गया था, आई डोंट नो कहाँ. आज मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा. सबसे पहली चीज है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी. सिंपल, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं. उनके पास पैशन होता है, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं दुनिया में नया, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं. और जो दूसरी चीज है, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स. एसेट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा लाते हैं. यानी ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपको मुनाफा दे बेचने के बाद. लायबिलिटीज हर वो चीज को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एसेट पुट्स मनी इन माई पॉकेट, अ लायबिलिटी टेक्स मनी
out of my pocket. The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. अब इसमें तो ये बता रहे हैं कि आप financial literate हो, अपने आप को जितना भी mind को आप exercise कर सकते हैं और जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं to become better, क्योंकि आपका mind ये सबसे बड़ा asset है. ये सेट रहेगा, ये सही रास्ते पे रहेगा तो everything will be okay. Poor mindset now. Work to learn, don't work for money. खैर ये थी कुछ चीजें इस बुक से. आज iPhone 15 Pro Max pre-order के लिए रिलीज हो रहा है. ये iPhone 15 Pro. I think ये enough है मेरे लिए. 512 GB titanium. इसी को pre-order करते हैं. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. क्या हाल है हबीब? खैर. जुमे का व्लॉग वहाँ पे खत्म कर दिया. आज संडे और हम भी हम जा रहे हैं. ارحب مليون وين تتغدى اليوم ابو منى افغاني على مسؤوليتك على مسؤوليتي يلا صدقني ارتب راسي يلا कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे अफगानी रेस्टोरेंट को जाता हूं जहां पे आप खाना खाओगे और आप मुझे यहां पे प्यार दो तो अभी हम आपको अफगानी रेस्टोरेंट में मिलते हैं هذا هو ये जी रेस्टोरेंट जिसमें हम लोग आए हैं अफगानी खाना खाने के लिए आज साहब सब कह रहे हैं कि मुझे ऑर्डर देना है सर साहब सब ऑर्डर देंगे इसमें जीबना फ्रेंड काबली फ्रेंड काबली وكيف كنت مع المشاور هات نفر نفر وصل له شيء نفر وصل له قاعد كيف لا لا ما يبغى مقابل خلاص جادي साथ साथ में कोई दो तीन चीजें मंगा ली हैं जब आएंगी तो फिर देखते हैं जितनी देर में हमारा खाना तैयार होता है उन्होंने ये ग्रीन टी लाई है वुमन नहादी शाखदा ग्रीन टी लाजमी होती है क्योंकि आपका जो पैसेज है ना वो क्लियर हो जाता है खाने से पहले और गोश्त तो लाजमी है ना गर्म है सख्त गर्म सुभानअल्लाह ये जी काबली राइस विद गोश्त और ये साथ साथ का आया वैसा में अभी साथ कैफ वाला अगर फजल तंसा ऐ मंदी कह रहे आप मंदी भूल सकते हैं इतना टेस्टी होता है बट हम पहले इधर आए हुए हैं ऑफ कोर्स इट इज टेस्टी शुरू तहीन और ये तहीन है ओ खलास تذوب ذوبا من يستخدمون لحم بدر بالله هذه الموجه टेंडर मीट है टेंडर बड़ा गोश्त है ना वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्वांटिटी देखने कितनी बड़ी है सो मच माशाल्लाह इतने चावल और इसके अंदर जो है ना गोश्त है सुभान अल्लाह इतना सारा गोश्त है ये फजल जाकर खैर अबू मन साहब कह रहे हैं ड्रेसिंग मुझे करना है तो इसकी आप सिर्फ खाओ हमने पहले ये लिया और उसके बाद थोड़े से यहाँ से ये ली ब्यूटीफुल किशमिश और बिस्मिल्लाह ये हमारी पैड बनी है अंगूर का पता नहीं क्या मदरशीनी बस दाएं मिर्ची भी डाल दी और अंगूर का पता नहीं क्या होता है ये अनार या अंगूर का कुछ होता है بسم الله قول بقى هاك اها حلو جان جی میں بھی ٹرائی کرتا ہوں میڈ بائے مسٹر سعد صاحب دخلی لی فضل سو هادی لا گوشت پھول کے ساتھ گوشت پھول ساتھ ہو نا مزہ آ جائے ڈیلیشس الحمدللہ کیپ حلو مرحبا جرب حتى دو خبز كده حلو حلو ये थी आज की वीडियो और हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अस्सलाम अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम